नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं GVN24। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने समाहरणालय सभागार में सफाई कर्मचारी की समस्या व समाधान को लेकर बैठक की। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की माननीय उपाध्यक्ष श्रीमती अंजना पवार की अध्यक्षता में सभागार में बैठक आयोजित हुई। नगर निकाय व अन्य संस्थाओं में कार्यरत सफाई कर्मियों को दी जाने वाली सुविधाएं व उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं कार्य की समीक्षा को लेकर आहूत बैठक में जिला दंडाधिकारी से उपायुक्त अन्य मित्तल, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, रूरल SP श्रीमगर और अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, नगर निकाय पदाधिकारी, सफाई कर्मियों के प्रतिनिधि सफाई कर्मी शामिल हुए। मैं अंजना पवार, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार। सफाई कर्मचारी आयोग देश के हर राज्यों में सफाई कर्मचारी, मैनुअल इंस्पेक्टर्स और उनके जितने भी आश्रित हैं, उनका आर्थिक, उनका सामाजिक एवं उनका शैक्षणिक पुनर्वास कैसे हो, कैसे हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए ये जो कर्मचारी वर्ग है इसको मुख्य धारा से जोड़ें, इसका अध्ययन करने के लिए जाता है। कोशिश करते हैं कि राज्यों के जो जिले हैं उनमें भी जाकर जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी स्थिति के बारे में हम लोग जानें। और आज इसी संदर्भ में झारखंड राज्य के जमशेदपुर जिले में सफाई कर्मचारी आयोग का यहाँ पर देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अधिकारी और कर्मचारी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर कर्मचारी खुश होगा, उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए अगर वो समय से मिलती रहेंगी, तभी आप अपनी सिटी को ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी और स्मार्ट सिटी बना सकते। आपको ध्यान होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब अपने सर्वोच्च पद की शपथ ली थी और जब उन्होंने इस पद के लिए कार्य करना शुरू किया था तो सबसे पहले उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को अंजाम दिया। और आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन बिना सफाई कर्मचारियों के हम पूरा नहीं कर सकते। प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों के कार्य से खुश होकर उनको सम्मानित किया। बनारस कॉरिडोर का उद्घाटन जब उन्होंने किया तो सफाई कर्मचारियों के साथ में बैठ के भोजन किया। ये कोई दिखावा नहीं है, देश के हर नागरिक को, हर कर्मचारी वर्ग को, हर अधिकारी वर्ग को, हर बिजनेसमैन को, हर एक इंसान को कि आप इन लोगों को सम्मान दीजिए। ये सम्मान के अधिकारी हैं जिन लोगों ने कोविड जैसी वैश्विक महामारी में हार नहीं मानी, जिन लोगों ने हम सब की सुरक्षा के लिए बाहर निकलकर काम किया, ऐसे कोरोना वॉरियर्स, इनके लिए हमको अपने मन में संवेदना रखनी चाहिए। कोई माइंड अगर दूसरा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए GVN24।